तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, अगर आप मीशो यूज़र हो या मीशो पे रिसेलिंग करते हो, तो आपके सामने कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती होंगी। आपने प्रोडक्ट को जो है भेज दिया वापस, बट आपका रिफंड नहीं आया। रिसीव भी कर लिया गया आपका प्रोडक्ट, रिफंड नहीं आया, और आपका जो है मार्जिन भी कभी कभी लटक जाता है, पेंडिंग हो जाता, होल्ड हो जाता है। तो सारा कुछ इन सभी चीज़ों का जो है प्रॉब्लम सोल्यूशन बताने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन है अगर आपका रिफंड वापस नहीं आया, अगर आपका जो है मार्जिन है वो लटका हुआ है, नहीं मिल रहा है काफ़ी डेट के बाद भी, मतलब डेट जो थी मान लीजिए 25 तारीख थी, निकल गई फिर भी नहीं मिला, तो इनका क्या सलूशन है आज के इस वीडियो में आपके सामने यार सब कुछ बताने वाला। तो बस आपको करना क्या, 300 वीडियो लाइक है हमें कंप्लीट कर देना। मेरे से यहाँ पर व्यू चल रहा है रॉयल पास BGMI का, जाके वो वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गाइस, मेरा नाम है और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका रिफंड वापस नहीं आया तो वो आपको कैसे मिलेगा। आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है अगर आपका रिफंड वापस नहीं आया। नंबर 1, आप जो कस्टमर केयर से बात करो, और नंबर 2, आप वेट करो। मेरे हिसाब से अगर डेट निकल गई है तो आप 5 से 6 दिन का या 1 वीक का और वेट कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिससे आपका रिफंड वो लटक सकता है। बट अगर आपने 1 वीक से ज़्यादा भी वेट कर लिया डेट के बाद फिर भी नहीं आया, तो आप जो है कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो। बहुत से लोग पूछते हैं कस्टमर केयर का नंबर कहाँ पर मिलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। आप जो है मीशो ऐप ओपन कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए, सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखेंगे वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और आप बोलेंगे कि यार लगता नहीं, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जब आप इनको कॉल लगाएंगे तो ये रिसीव नहीं करेंगे। 5 बार भी नहीं रिसीव करेंगे, बट आपको ट्राई करते रहना है, रिसीव कर लेंगे, ठीक है। रिसीव करने के बाद आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, जिस भी हिसाब से आपका रिफंड वगैरह लटका हुआ है उसके बारे में बताओ, जिस भी प्रोडक्ट का है उसके बारे में बताओ, वो आपका 100% रिफंड दिला देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको रिफंड कैसे मिलेगा, यही सोल्यूशन है। आप कस्टमर केयर से बात करो या तो आप वेट कर लो। तो गाइस, अब बात करते हैं कि अगर आपका जो है मार्जिन लटका हुआ तो वो कैसे मिलेगा। सेम प्रोसेस यही है गाइस, आपको बस यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप या तो वेट कर लो या तो जो है आप कर लो यहाँ पर कस्टमर केयर से बात। और कस्टमर केयर से बात करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, और ऐसा भी हो सकता है यार मार्जिन लेट होने के चांसेस ये भी रहते हैं कि कभी कभी यार जो है ऑनलाइन इशू आ जाता है, जैसे नेटवर्क नहीं वर्क कर रहा, जो ब्रॉड बैंक होते हैं बैंक्स के, कभी कभी वर्क करना काम करना बंद कर देते हैं, तो जिससे आपका मार्जिन लटक जाता है, जो पेंडिंग रह जाता है। तो आपको वेट भी करना चाहिए, 1 वीक तक वेट कर लेना चाहिए। अगर जैसे 25 तारीख को आपको मार्जिन मिलने वाला है तो अगली 2 तारीख तक आपको वेट कर लेना चाहिए, तब भी नहीं मिलता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल लगा सकते हैं। कॉल नहीं लगता है तो आपको बार बार ट्राई करना है, एक बार जरूर कॉल लग जाएगा। मीशो का कस्टमर केयर कॉल नहीं लगता है तो सबको पता है, एक बार में कभी नहीं लगेगा, 4-5-6 बार आप ट्राई करोगे तो आपका कॉल जरूर लगेगा। तो गाइस, जैसे आप कॉल लगता है तो उनको सारी डिटेल्स बताएं, कॉल लगने के बाद आपका 100% मार्जिन और रिफंड वापस करा दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। होप सो गाइस आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और गाइस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।